हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी मंदिर परिसर में फूड पॉइजनिंग का शिकार बीमार गौवंश का उपचार कर गौ सेवा प्रभु सेवा समिति में मिसाल पेश की गई है। समिति के पदाधिकारी दीपक यादव को गौवंश के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अपने पास मौजूद संसाधनों से बीमार गौवंश का उपचार किया। गौवंश सुरक्षित और स्वस्थ है। समिति द्वारा गौवंश को अपनी निगरानी में लेकर उपचार किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी और गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के कोषाध्यक्ष दीक्षा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीमार में पड़ गया था, पेट सूजन आ गया था, तो कुछ बाहरी का खा लिया था, इसी कारण से बीमार में पड़ गया था। दीपक यादव आके ठीक किया है। उन लोग ने बुलाया था, उन लोग को आके ठीक किया है, अभी ठीक ही है। आज सुबह 9:30 के करीब हमें एक फ़ोन कॉल आया कि कालीबाड़ी में नंदी महाराज की तबीयत खराब है। वहाँ तो हमने जाकर वहाँ देखा तो उन्हें फूड पॉइजन हो गया था। तो यहाँ दीपक भैया ने उनका उपचार किया और आधे घंटे के करीब उनको आराम मिल गया।